हाँ जी, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, जिनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, तो उनकी जयंती हमेशा 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। 2014 से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसको 2014 से मना रहे हैं। तो इसमें हमारा पीछे से भी प्रोग्राम आता है, एक शपथ हर सभी डिपार्टमेंट्स में आती है, भी इसमें एक प्लेज करवाई जाती है सभी स्कूल कॉलेजों में, जितने भी स्टेडियम हैं उनमें मैराथन भी, रन फॉर यूनिटी। तो इसी उपलक्ष्य में सभी SHOs ने अपने लेवल पे तीन चार जगह सभी ने प्रोग्राम करवाए हैं। तो हमने भी एक तो गवर्नमेंट कॉलेज वोमेंस है जो सिरसा में, वहाँ और एक मोरेवाड़ा गांव में राजकीय उच्च विद्यालय है, वहाँ पे दोनों जगह प्लेज भी करवाई और रन फॉर यूनिटी, और उनके उनको थोड़ा सा राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में अवेयर भी किया गया। संदेश ऐसे जितने भी जो हमारे महापुरुष हुए हैं या जो आइडल हैं जो हमारे, उनके संदेश है, उनके जीवन के जो रहा है व्यक्तित्व, उसको फॉलो करना ही हमारा उद्देश्य है। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के रूप में। तो उसमें वो लौह पुरुष भी थे, उन्होंने उनके खुद के जीवन में जो सिद्धांत अपनाए, तो यही संदेश दिया जाता है भी आप उन्हीं के अनुसरण करो उनको और अपने जीवन में अपनाओ। कानून के बारे में भी उनको, जैसे पुलिस की तरफ से प्रोग्राम कराए गए तो अवेयर भी किया गया है ट्रैफिक को लेके हो, चाहे वो नशे को लेकर हो, चाहे महिला विरुद्ध अपराध हो, चाहे साइबर अपराध हो, तो सभी के बारे में बतलाया गया है। तो जब भी हमारे इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो उनको ज्वाइंटली करवाते हैं, सभी के बारे में अवेयर करते हैं। वहाँ पर रैली निकाली है बच्चों ने, रन फॉर यूनिटी का प्रोग्राम जो करवाया था उसमें वहाँ भी रैली निकाली है, और प्लेज भी उनको करवाई गई, उनको मतलब भी समझाया गया इसका, और जो एक क्विज भी रखा था अभी इसके बारे में, प्रश्न उत्तर जो उनके जीवन से संबंधित थे वल्लभ भाई पटेल जी के, कहाँ उनका जन्म हुआ, तो वो सब चीज़ें वो उनको बताई गई है। ऐसे तो ये चीज़ें हैं, ये लोगों को जागरूक करती है, समय समय बच्चों में अच्छे संस्कार लाती है। तो उनको राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में बताया गया, ड्रग्स के बारे में भी, और उनकी मैराथन भी थी, कॉलेज ने भी अपनी तरफ से भी करवाई थी, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया।